हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं गोपाल सोनी और थोड़ा सा सैड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारा एक नया वीडियो आएगा, अपलोड होगा, आपको मिल जाएगा वो नोटिफिकेशन के थ्रू। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन करेंगे? 30 क्वेश्चन किसके करेंगे आज? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये क्लास 12 का चैप्टर है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और इसको अपन इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के अंदर आ सकते हैं और आते भी हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो उससे पहले मैं फिर से कह रहा हूं, अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नया नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन विदाउट कोई भी टाइम खराब किए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेक्सुअल स्टेज, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा मैं। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज यानी गैमिटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन, आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम की जो लैंगिक अवस्था है यानी गैमेटोसाइट अवस्था है वो कहां पर होती है या कहां पर आपको मिलती है। फर्स्ट दे रखा है सेलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, मच्छर की लार की ग्रंथि में। सेकंड है ह्यूमन आरबीसी में। थर्ड है इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो यानी कि मच्छर की आंत में। और फोर्थ है ह्यूमन लीवर के अंदर। तो कहां पर आपको प्लाज्मोडियम की लैंगिक अवस्था देखने को मिलेगी? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा बी, ह्यूमन आरबीसी के अंदर। तो ह्यूमन आरबीसी के अंदर जब प्लाज्मोडियम आएगा तो अपनी ग्रोथ करेगा और गैमेटोसाइट बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा। तो ह्यूमन आरबीसी इज द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज बी। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज, ये क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज या निम्न में से कौन सी डिजीज, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे बताना है कि निम्न में से कौन सी डिजीज है उसे क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, पहला दे रखा है सिकल सेल एनीमिया, सेकंड दे रखा है हीमोग्लोबिनुरिया, थर्ड दे रखा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और फोर्थ दे रखा है हीमोफीलिया बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और थोड़ा सा सोचिएगा इस बारे में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी है वो कहलाती है क्रिसमस डिजीज। ठीक है, क्या कहलाती है? क्रिसमस डिजीज कहलाती है। तो सेकंड का आंसर जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम, नाम सुना होगा कोलेस्ट्रम, सीक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड इज, आपको बताना है कि मेमरी ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेट होता है कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम को कहते हैं खीस, उसके अंदर कौन सी टाइप की इम्यूनोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होती है। फर्स्ट दे रखा है आईजीडी, सेकंड है आईजीसी, थर्ड है आईजीए, और फोर्थ है आईजीई। तो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप 12th के अंदर हो तो यह क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो राइट आंसर जाएगा थर्ड का वो जाएगा सी, आईजीए। मिल्क के अंदर जो पहला मिल्क निकलता है मेमरी ग्लैंड से उसके अंदर आईजीए इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एंटी सीरम कंटेंट्स, एंटी सीरम के अंदर क्या क्या होता है? ल्यूकोसाइट, एंटीबॉडीज, एंटीजन या ऑल। ठीक है, आपको बताना है कि एंटी सीरम के अंदर क्या क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट, एंटीबॉडी, एंटीजन या ऑल। तो मोस्टली बच्चे हैं वो कर कर आते हैं ऑप्शन डी। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या कर कर आते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट करके आते हैं, लेकिन डी ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर जाएगा बी, एंटी सीरम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? केवल और केवल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ना तो उसके अंदर एंटीजन होता है ना ही उसके अंदर ल्यूकोसाइट होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी, एंटीबॉडीज। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क कर लेना भाई इसको। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 5। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन एलर्जी इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ, आपको बताना है कि जब हमारे को एलर्जी होती है तो
उसके अंदर क्या रिलीज होता है, किसके कारण से एलर्जी होती है, हिस्टामिन्स, एंटीजन्स, एंटीबॉडीज या प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, जब एलर्जी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या रिलीज होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स हमारी जो सेल्स होती है वो क्या निकालती है, हिस्टामिन्स निकालती है, उससे हमें क्या हो जाती है, एलर्जी के लक्षण हमें दिखाने शुरू हो जाते हैं। तो इसका फर्स्ट फाइव का आंसर आएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर आओ क्वेश्चन नंबर सिक्स, एडल्ट्स ऑफ वाउचेरिया ब्रोंकोप्टाई अटैक्स। ठीक है, कि वाउचेरिया ब्रोंकोप्टाई है वो कहां पर अटैक करता है। पहला दे रखा है एक्सिलेटरी सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम पर, तीसरा है ब्लड सर्कुलेशन पर और चौथा है लिम्फ वेसल्स पर। तो कहां पर अटैक करता है वाउचेरिया ब्रोंकोप्टाई, इससे एक डिजीज होती है उसका नाम क्या होता है, एलिफेंडियसिस, जिसमें पैर फूल जाता है। ठीक है, हाथी के जैसा पैर हो जाता है तो एलिफेंडियसिस डिजीज होती है। लेकिन ये अटैक कहां करता है ये आपको बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर अटैक करता है वो करता है लिम्फ वेसल्स पर, एनसीईआरटी की लाइन है, लिम्फ वेसल्स को क्या करता है अटैक करता है कौन, वाउचेरिया ब्रोंकोप्टाई जो क्या है एक वॉर्म है। ठीक है, तो लिम्फ वेसल इसका राइट आंसर जाएगा यानी ऑप्शन डी। चैनल पर अगर हमारे चैनल पर आज ही आपसे जुड़े हो तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं। इसके अलावा मैंने पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और एक्सीलेटरी सिस्टम के वीडियो डाल रखे हैं, जिनमें मैंने 30-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं चैप्टर वाइज। तो वो वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है, आप जाकर वहां देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारे ऐसे ही वीडियो आने वाले हैं जो आपके लिए क्या होंगे, बेनिफिट होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन नीट यूट्यूब चैनल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, सेवन नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अभी नीट के अंदर खूब आ रहे हैं, जिसमें से आपको बहुत सारे ऐसे कोमा लगा लगा के कुछ दिया हुआ होगा, उसमें से आपको बताना होगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर है सेवन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड्स द बैक्टीरियल डिजीज। आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें तीन तीन दे रखे हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों के तीनों बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो पहला देखिए क्लोरेला टाइफाइड मम्स, दूसरा है टेटनस ट्यूबरक्लोसिस मीजल्स, तीसरा है डिप्थीरिया लेप्रोसी प्लेग और चौथा है मलेरिया मम्स और पोलीमाइलिटिस। तो आपको बताना है कि तीनों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों की तीनों डिजीज है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है, बैक्टीरिया से। तो देखो मम्स होता है वो होता है वायरस से, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। इसके अलावा मीजल्स ये भी होता है वायरस से, तो ये भी आंसर गलत हो गया। मलेरिया ये होता है प्लाज्मोडियम से, तो ये भी आंसर गलत हो गया। तो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है और प्लेग भी किससे होता है, बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, इंपॉर्टेंट लगा लेना, आने लाइक क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है जो आ सकता है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर एट, which one of the following depress brain activity and the produce feeling of clamminess, relaxation or drowsiness। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करता है, डिप्रेस करता है और ऐसी फीलिंग को प्रोड्यूस करता है जैसे कि रिलैक्स चाहिए या ड्राउजीनेस होना चाहिए या कामनेस होना चाहिए। ठीक है, तो कौन निम्न में से कौन सा ऐसा है जो ये सारे आपके एक्टिविटी या जो सारे सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस करता है। पहला दे रखा है मॉर्फिन, दूसरा है वैलियम, तीसरा है एम्फेटामिन्स और चौथा है हसीस। तो एट का आंसर क्या जाएगा, ये क्वेश्चन एम्स के अंदर आया हुआ है, तो जो क्वेश्चन एम्स में आते हैं उसके चांस होते हैं कि वो नीट के अंदर आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एम्स के अंदर आया, इसमें से आपको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, वैलियम। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर आओ क्वेश्चन नंबर नाइन, विच वन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया ना अभी नीट के अंदर बहुत आ रहे हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसको भी आप इंपोर्टेंट लगा सकते हो। विच वन इज करेक्ट, साल्मोनेला टाइफाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज निमोनिया।
ठीक है, सही है या गलत है ये, कि सार्मोनेला टाइफाई और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों ही निमोनिया के कारण है। तो ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि सार्मोनेला टाइफाई तो क्या कहलाता है, टाइफाइड, और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो निमोनिया करता है, लेकिन दोनों निमोनिया नहीं करते। ठीक है, ये तो क्या करता है, सार्मोनेला टाइफाई तो क्या करता है, टाइफाइड करता है। तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए, विडाल टेस्ट इज डन फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए विडाल टेस्ट होता है, नहीं होता, सेकेंड ऑप्शन भी गलत। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका कॉज अमीबियोसिस, ये सही है। ठीक है, और चौथा है वाउचेरिया कॉज एंटेरोबायोसिस, ये भी गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, सी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉज अमीबियोसिस। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द मोस्ट हार्मफुल मलेरिया, निम्न में से कौन सा मलेरिया है जो सबसे ज्यादा घातक होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ही प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 10th का राइट आंसर क्या जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के थ्रू जो मलेरिया होता है वो हार्मफुल मलेरिया होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 10th का राइट आंसर होगा डी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंफेक्शियस डिजीज, निम्न में से कौन सी डिजीज है जो संक्रामक होती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, कैंसर, डायबिटीज, बीपी या एड्स। तो इसका तो आप सिंपल से आंसर बता सकते हैं कौन सी होगी, एड्स, क्योंकि कैंसर नहीं फैलती, डायबिटीज एक से दूसरे में नहीं फैलती, बीपी एक से दूसरे में नहीं फैलती, एड्स है वो एक व्यक्ति को हो रखा है तो दूसरे व्यक्ति को अगर उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, उसके ब्लड कॉन्टेक्ट के अंदर आएगा तो उसको भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 11 नंबर क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, सारा का सारा टाइप करके लिखा गया पूरा नोट्स जितने भी आप देख रहे हैं अभी, और ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकाले हैं, तो एक लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे, जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 12, पैथोजन ऑफ डिसेंट्री डिजीज, आपको बताना है कि जो डिसेंट्री रोग है उसका रोग कारक कौन है, हु इज द पैथोजन ऑफ द डिसेंट्री डिजीज, बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोड्स है या प्रोटोजोआ है। तो 12 का आंसर क्या जाएगा, डिसेंट्री रोग होता है वो होता है एनसीईआरटी की लाइन में, ध्यान रखना, बहुत बच्चे को अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बीच में लिख रखा है डिसेंट्री डिजीज। ठीक है, तो बैक्टीरिया इसका राइट आंसर जाएगा किसका, 12 का। आप हो सके तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी के अंदर बीच में लिख रखा है, एक ऐसी जगह आएगी जहां पर लिख रखा है बहुत सारे डिजीज लिख रहे हैं, साथ में लिख रखा है डिसेंट्री और आगे लिख रखा है बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ोगे एनसीईआरटी तभी ये क्वेश्चन होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो पैथोजन ऑफ डिसेंट्री डिजीज इज बैक्टीरिया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द वेक्टर ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया का वाहक कौन है, एनाफिलीज, ये सारे एनाफिलीज मच्छर का नाम है, एडीज मच्छर का नाम है, हाउस फ्लाई या कॉकरोच, तो कौन होगा, इसका आंसर आप दे सकते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया का जो वाहक होता है वो होता है फीमेल एडीज मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, मादा एडीज मच्छर। तो 13 का आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइटोकाइनिन बैरियर, इसको साहब इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो साइटोकाइनिन बैरियर है, स्किन, एसिड, डब्ल्यूबीसी या इंटरफेरॉन्स। तो साइटोकाइनिन बैरियर कौन होता है, जो वायरस होता है जब वो किसी सेल पर अटैक करता है तो सेल क्या निकालती है, इंटरफेरॉन। तो सेल का जो इंटरफेरॉन निकालते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन बैरियर। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, डी, ध्यान रखना, इंटरफेरॉन्स। ठीक है, अभी कोरोना चल रहा है तो इसी पर रिसर्च चल रही है, इंटरफेरॉन्स पर। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सीएमआई, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं, कौन होगा, टी लिम्फोसाइट, सेल के लिए होता है टी, और ह्यूमरल मीडिएट इम्यूनिटी यानी एचएमआई आए तो बी। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से अगर 12th में हो तो आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राथमिक आपके लसिका अंग कौन सा है निम्न में से, बोन मैरो, थाइमस, बोथ या नन। तो बोन मैरो भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है और थाइमस भी कैसा है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी दोनों, ठीक है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। कौन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिम्फोइड टिश्यू है उसका 50% भाग बनाता है या उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट है स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं ये अपने, स्प्लीन का हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा। फिर आता है मॉल्ट, लिम्फ नोड्स या टॉन्सिल। तो कौन है वो जो लिम्फोइड, टोटल लिम्फोइड ऑर्गन है उसका 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो क्या होगा इसका आंसर, ये नीट 2017 के अंदर आया भी था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है वो 2017 के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा मॉल्ट, म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू। ये 50% पार्ट बनाता है किसका, टोटल लिम्फोइड टिश्यू का, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एचआईवी फैक्ट्री। इसको हम अपन एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं, मैक्रोफेज, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या बोन मैरो। तो एचआईवी कहां पर डुप्लीकेट होना, सॉरी एचआईवी कहां पर डुप्लीकेट होता है, आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी तो उसमें लिख रखा होगा ऑप्शन ए, मैक्रोफेज इज द कॉल्ड ऑफ एचआईवी फैक्ट्री, ठीक है। मैक्रोफेज को एचआईवी की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि यहां पर ये इसकी मशीनरी का यूज करता है और अपने रेप्लिकेट या नंबर बढ़ाता है एचआईवी वायरस। तो इसको क्या बोलते हैं, एचआईवी फैक्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 20, आईजीए, आईजीए इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, बोथ या नन। किसका एग्जांपल है आईजीए, तो आईजीए कहां पर प्रेजेंट होता है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था किसके अंदर होता है, कोलेस्ट्रम यानी कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर होता है। तो जो मिल्क है वो मिल्क कौन पिएगा, जो बच्चा होगा वही मिल्क पिएगा, ठीक है। तो मिल्क पी रहा है यानी बच्चे के अंदर जो IgA आ रहा है वो कहां से आ रहा है, बॉडी के बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो बॉडी के बाहर से आ रहा है यानी बॉडी खुद नहीं बना रही है, बॉडी बाहर से ले रही है। तो जो भी चीज अपन बाहर से ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पैसिव। और इम्यून सिस्टम है तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, बॉडी के अंदर बनता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, बॉडी बाहर से लेती है तो पैसिव इम्यूनिटी। तो IgA किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साहब, एक बार मैं कह चुका हूं आपके लिए ही बहुत फायदेमंद होने वाला, जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं चैनल को, ठीक है। और स्किप बिल्कुल भी मत करना वीडियो को, वरना आपको ही लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा बहुत मैं यहां बता देता हूं कि इसकी जो PDF है, ठीक है, वो मैं अपने फेसबुक पेज है ऑनलाइन नीट, वहां पर मैं अपलोड करूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आराम से देख भी सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के अंदर देखना चाहे तो वीडियो के अंदर आप देख ही सकते हैं, लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिए गए हैं, टेलीग्राम के, फेसबुक के, पीछे जो मैंने एक दो वीडियो बनाए थे उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं, आप आराम से वहां जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, केमिकल नेम ऑफ हीरोइन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ये मुझे लगता है नीट 2020 के अंदर आएगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हीरोइन, एल्कोहल, एट्रोपा बेलिडोना, डाई एसिटिल मॉर्फिन या डोपामिन। आपको बताना है कि हीरोइन का रासायनिक नाम क्या है, एनसीईआरटी के नाम उठा रखी है। तो हीरोइन का जो रासायनिक नाम है वो है सी ऑप्शन, डाई एसिटिल मॉर्फिन इज कॉल्ड हीरोइन, ठीक है। डाई एसिटिल मॉर्फिन है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 21, अब ये पीछे वाला थोड़ा सा हार्ड टॉपिक लगता है, ठीक है, जो ड्रग्स वाला है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा लोगों, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। कोकेन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, जो कोकेन है वो हमें कहां से मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है निकोटिन, सेकंड दे रखा है एट्रोपा बेलिडोना, थर्ड दे रखा है ओपियम और फोर्थ दे रखा है इरिथ्रोजाइलम कोका। तो कोकेन है वो हमें कहां से मिलता है,
तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है कौन, कोकेन। तो ये किसका राइट आंसर होगा, वो होगा डी। ठीक है, निकोटिन देता है तंबाकू, ओपियम देता है मॉर्फिन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, डी, इरिथ्रोजाइलम कोका। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। ठीक है, ये तो बहुत बार पूछा भी गया है नीट के अंदर, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा कौन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर यानी कि दर्द निवारक होती है। पहला ऑप्शन है आपके मॉर्फिन, सेकंड है कैनाबिस सैटिवा, थर्ड है कोका और फोर्थ है एट्रोपा बेलिडोना। तो आपको पता होगा जब सर्जरी होती है, पहले सर्जरी होती थी तो सर्जरी के तुरंत बाद क्या देते थे, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या होता है, अच्छा खासा दर्द निवारक होता है। ठीक है, पेन किलर होता है मॉर्फिन। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 23, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अटैक्स ऑन। अब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबा है वो कहां पर अटैक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में, स्टोमक में या लिवर के अंदर। तो 23 का राइट आंसर क्या जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के अंदर वो अटैक करता है कौन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और रोग होता है आपके अमीबियोसिस। ठीक है, जिसके अंदर आंतों में दर्द होना स्टार्ट होता है, पेट दर्द होता है बहुत ज्यादा। 24, फाइंड आउट द डिजीज। अब आपको ये सिम्टम्स दे रखे हैं, उनमें से आपको ये सिम्टम्स किसके हैं, तो वो वाले डिजीज है वो आपको पहचाननी है। पहला देखिए, फाइंड आउट द डिजीज विच सिम्टम्स इज इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि आंतरिक रक्तस्राव, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टियल पैसेज, ये किस रोग के लक्षण है। तो फर्स्ट दे रखा है अमीबियोसिस, सेकंड है मलेरिया, थर्ड है एस्केरिस और फोर्थ है एलिफेंटियसिस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो जाएगा 24 का सी, एस्केरियसिस। ये एस्केरियसिस रोग के लक्षण है। ठीक है, कि इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन आएगा, फीवर होगा, एनीमिया होगा और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टियल पैसेज होगा। तो ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं, एस्केरियसिस के हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 24 का सी। इंपॉर्टेंट लगा लेना, 24 को आ सकता है क्वेश्चन। 25, 24 को लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन 25 को इंपॉर्टेंट लगा ही लेना, मस्ट है। मैं लिख भी देता हूं इंपॉर्टेंट। हिपेटाइटिस बी वैक्सीन इज मेड फ्रॉम, हिपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन बनती है वो किससे बनती है, बैक्टीरिया, पेनिसिलियम, बैक्टीरियोफेज या ईस्ट, इससे बनती है सर, एनसीईआरटी की लाइन है, बैक्टीरिया, पेनिसिलियम, बैक्टीरियोफेज या ईस्ट। तो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है, ध्यान से पढ़ना कि ईस्ट से हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाते हैं। ईस्ट क्या होती है, एक फंजाई है, एस्केरोमाइसिटिस की क्लास की है। ठीक है, ईस्ट। 26 नंबर क्वेश्चन, चैनल पर मैं कह रहा हूं फिर से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए प्लीज, और वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए क्या होते हैं, प्रोत्साहन होते हैं, हम आगे और ऐसे वीडियो बना सकते हैं, वरना हमें लगता है कि हमारी जो वीडियो बनाई हुई है वो किसी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो लाइक करोगे तो हमें लगेगा भाई हम जो बना रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, तो आगे हम और अच्छा काम करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। तो लाइक करने में ना आप एक केवल बटन दबाना ही है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज। 26 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑटो इम्यून डिजीज, निम्न में से कौन सा है वो स्व प्रतिरक्षा विकार है, ब्रेन ह्यूमर, चेस्ट पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या डायबिटीज। तो इसका आंसर सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। फिर और 27 नंबर क्वेश्चन, अब थोड़े से सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, विच इज द करेक्ट एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेशन, कौन सा निम्न में से कौन सा है वो करेक्ट एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। पहला है HL2, दूसरा है H2L2, तीसरा है H2L या चौथा है HL। तो राइट आंसर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बता सकते हैं आराम से, क्या राइट आंसर होगा इसका, बी, H2L2। दो हैवी चेन होती है और दो ही लाइट चेन होती है, H2L2। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी, एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgD, A, C या E। तो E फॉर एलर्जी, E फॉर एलर्जी यानी IgE। ठीक है,
आईजीई एंटीबॉडी बनती है किसमें, एलर्जी के दौरान। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो ई से एलर्जी, होता तो ए से है लेकिन आप याद कर सकते हो ई से एलर्जी। फिर आओ 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर एड्स। इस क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट लगाना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ोगे तो अलग है, और जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तब ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक लाइन लिख रखी है और इम्यून सिस्टम के अंदर लाइन अलग लिख रखी है, तो यहां पर जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर एड्स, एड्स के टेस्ट के लिए कौन सा, सॉरी एड्स की जांच के लिए अपन कौन सा टेस्ट है वो यूज करते हैं। फर्स्ट दे रखा है एलिजा, सेकंड दे रखा है एलिजा एंड पीसीआर, थर्ड दे रखा है पीसीआर और चौथा दे रखा है नल। तो नॉर्मली बच्चे क्या करके आते हैं, एलिजा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये एड्स का टेस्ट बता रखा है, एलिजा टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। लेकिन जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे उसमें एक लाइन लिख रखी है कि एड्स के लिए एलिजा और पीसीआर दोनों ही उपयोग में लाए जा रहे हैं, ये लाइन वहां लिख रखी है अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से रीड करोगे तो यहां पर इसने एलिजा भी दिया है और पीसीआर भी दिया है, तो मोर करेक्ट क्या होगा, एलिजा एंड पीसीआर। ए ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा यहां पर। ठीक है, मोर करेक्ट होगा एलिजा एंड पीसीआर, ध्यान रखना। अगर बाकी कुछ और कुछ देता तो हमारा राइट आंसर एलिजा देता, लेकिन यहां पर इसने साथ में क्या दे दिया, पीसीआर भी दे दिया। और पीसीआर आपको पता है अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी उसकी जो डायग्नोसिस हो रहा है, उसकी जो जांच हो रही है, वो कौन कर रहा है, पीसीआर कर रहा है। ठीक है, तो मोर करेक्ट क्या होगा इसका आंसर, बी, मार्क कर लेना साहब, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का इम्यून सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन, हु इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है, एम सी डी या ए। तो आईजीएम एंटीबॉडी होती है, वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, ध्यान रखना, आईजीएम। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया कंप्लीट इम्यून सिस्टम हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर जो है उसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला देखिए, वेयर इज टी लिम्फोसाइट मैच्योर, टी लिम्फोसाइट है वो कहां पर मैच्योर होती है आपको बताना है, बोन मेरो में, मॉल्ट में, स्प्लीन में या थाइमस के अंदर। ठीक है, कमेंट में लिखिए 31 इसका आंसर एबीसीडी कौन सा है। फिर आओ 32 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 32 भी आप मार्क इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है नीट के अंदर। ठीक है, 32 को इंपॉर्टेंट लगा लेना, 31 भी पूछा गया है लेकिन मोर ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी है वो है 32। 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फर्स्टली डिस्ट्रॉयड बाई एचआईवी वायरस, यानी एचआईवी वायरस है वो सबसे पहले कौन सी सेल को डिस्ट्रॉय करता है, कौन सी सेल को मारता है। फर्स्ट ऑप्शन है टी किलर, सेकंड है टी हेल्पर, थर्ड है टी सप्रेसर और फोर्थ है टी मेमोराइज्ड। तो इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट में देना है, ए बी 32 इसका आंसर ए बी सी डी कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा जो 30 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ऊपर उसकी आंसर की ये रही, इसमें आप आराम से आंसर दे सकते हैं। थोड़ी देर के पहले इसको छोड़ देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सके, और थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे, बात वही है। ठीक है, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आया है, मेहनत पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के बीच में थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट उस पर अपलोड करूंगा, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं हमारे से, फेसबुक से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर, धन्यवाद।